हाय गाइस, नमस्कार। मैं एमके वार्ष में अपनी वीडियो को दोबारा लेके आया हूँ। तो पिछली बार जो मैंने बताया था कंप्रेसिव फोर्स जो कंप्रेशन मेंबर का निकालते हैं एज पर आईएस कोड 800/1984, तो उसमें हम जब निकालते थे कंप्रेसिव फोर्स तो जो स्ट्रेस का मान निकालते थे वो एल अपॉन आर मिनिमम पे आता था। और जहाँ भी हम आर मिनिमम निकालते थे रिलीज रेडियस ऑफ जायरेशन, उसके लिए हमें आई एक्सएस और आई वाई वाई की जरूरत पड़ती थी। तो अक्सर जब हम डबल एंगल का प्रयोग करते हैं तो उस समय आई एक्स एक्स और आई वाई वाई हमें कैलकुलेशन से निकालने की आवश्यकता होती है। तो देखो दोस्तों, मैं बहुत ही एक नटशेल मैंने एक एग्जाम्पल लिया है एक छोटा सा। इसमें आई एस ए 9060/8 है मैम का, हमने दो एंगल लिए हैं और दो एंगल में जो यहाँ पर जो केस है, पहला केस ये आप देखेंगे तो इसमें जो गजट प्लेट है वो सैंडविच है बिटवीन द टू एंगल्स, है ना। यहाँ पर जो हमने केस लिया है वो क्या लिया है कि जो गजट प्लेट है वो नीचे की ओर और एंगल दोनों हमारे एक ही तरफ हैं। तो पहले हम एक आई एक्स एक्स आई वाई निकालने के लिए हम सबसे पहले एक ये एग्जाम्पल सेट करते हैं आई एस ए 9060/8 एम एम का, जिसमें आपकी 10 एम एम की जो गजट प्लेट है वो बिटवीन टू एंगल्स है। तो ये जो एंगल है हमारा 9060/8, इसमें हमने 90 mm का जो लॉन्ग लेग है वो हमने वर्टिकल रखी है और जो 60 mm की लेग है वो हमने हॉरिजॉन्टल रखी है। और यहाँ पर हम आई एक्स एक्स आई वाई किस तरह से निकालेंगे, तो जो हमारे आई एस ए 9060/8 एम एम का जो स्टील टेबल से हम डेटा देखेंगे तो सी एक्स एक्स का मान 29.6 एम एम है, सी वाई वाई 14.8 एम एम और आई एक्स एक्स वन एक्स वन का मान 91.5 10 की पावर 4 एम एम की पावर 4 और आई वाई वन का मान जो है वो 32.4 इंटू 10 की पावर 4 एम एम की पावर 4 और एरिया जो इस एक एंगल का है वो 1137 एम एम स्क्वायर है और जो टोटल एरिया है दो एंगल का वो बैठता है 2274 एम एम स्क्वायर। तो इन सब डाटा के अवेलेबल होने पर हम यहाँ पर आई एक्स एक्स आई वाई निकालें। तो देखो ये जो एंगल है हमारा 90 लेंथ इसकी वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल आपकी 60 एम एम है। तो इसमें देखेंगे कि ये जो वैल्यू है सी वाई वाई ये 14.8 कम वाला है और ये हमारा कितना है 29.6। यहाँ पर इसकी x एक्सिस 29.6 पर होगी और इस एंगल की y1 यहाँ पर होगी, इस एंगल की y1 यहाँ पर होगी। तो ये जो हम आई एक्स एक्स जब भी निकालेंगे तो इस एंगल का आई एक्स वन एक्स वन और इस एंगल का आई एक्स वन एक्स वन वो एक दूसरे को कॉन्साइड करेगा। तो लिहाजा हम यहाँ पर आई एक्स एक्स का मान जब निकालेंगे तो 2 × i(x1, x1) तो 2 × 91.5 10 की पावर 4 ये 183 × 10 की पावर 4 mm की पावर 4 आ जाएगा। और जब हम आई वाई वाई निकालेंगे तो आई वाई वन वाई वन यहाँ पर है और आई वाई हमारी कॉमन है तो आई वाई वन वाई वन इसका आई वाई वन वाई वन इसका, तो हमारा टोटल आई वाई वाई कितना हो गया 2 i(y1, y1) प्लस 2 × एरिया। 2 × एरिया नहीं, एक एंगल का एरिया ए हो गया तो दूसरे एंगल का एरिया हमारा 2a हो गया तो 2 × एरिया। अब हम इस एक्सिस को वाई एक्सिस को यहाँ पर उठा के लाएंगे, ये हमारी क्या है, ये कॉमन एक्सिस है ये हमारी। तो जब ये यहाँ पर हमारी कॉमन एक्सिस है तो उस केस में इस वाई वन एक्सिस को हम यहाँ वाई पर लेके आएंगे तो ये क्या है हमारा 5 यानी 10/2 तो 5 हो गया प्लस 14.8, ये डिस्टेंस कितनी हमारी 14.8। तो इन दोनों को जोड़कर जब हम इसको करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा 64.8 × 10^4 प्लस 2274 × 19.8 14.8 प्लस 5 तो 19.8 का होल स्क्वायर करेंगे, इसका टोटल आ गया हमारा 153.95 × 10^4 एम एम की पावर 4। ये हमारा क्या है आई वाई वाई। तो इस कंडीशन में आई एक्सिस का मान 183 10 की पावर 4 एम एम की पावर 4 और आई वाई वाई का मान 153.95 × 10^4 तो इसमें लीस्ट कौन सा है 153, यानी कि इसमें हमारा आई वाई वाई एक्सिस लीस्ट है। और अगर इस तरह की समस्या आ जाए कि जिसमें कि हमने क्या करा है कि जो लॉन्ग एक्सिस है लॉन्ग लेग है वो हमने क्या एक्स एक्सिस पर रखा है और शॉर्ट लेग हमने वाई एक्सिस पर रखा है, यानी कि पिछले में 90 था, इस बार हमने 60 ऐसे कराया 90 ऐसे कराया, तो इस केस में आई एक्स एक्स आई वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको देखें कि आई एक्स एक्स बराबर 2 i(y1, y1 2 × 32.4 10 की पावर 4 यानी 64.8 10 की पावर 4 और आई वाई वाई क्या होगा 2 i(x1, x1 प्लस 2 a × 10/2 प्लस अब ये कितना हुआ 29.6, क्योंकि लॉन्ग लेग ये है तो ये कितना है सीजी यहाँ पर 29.6। तो इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा 455.144 × 10^4 mm की पावर 4। तो इसमें लीस्ट देखेंगे कौन सा है 64.8 × 10^4। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो इसमें आई एक्स एक्स 64.8 × 10^4 और आई वाई वाई हमारा कितना 455.144 × 10^4। तो इसमें लीस्ट आपका ये बैठेगा इस कंडीशन में। अब हमने एक और कंडीशन ली है कि अगर बाय द वे गजट प्लेट नीचे है और दोनों एंगल एक ही तरफ है तो इसमें भी हमारा आई एस ए 9060/8 mm का है
तो इसमें ये लंबाई कितनी आपकी 90 mm और ये कितना आपका 60 mm, तो 60 mm पर ये सीमा वेग कितना बैठेगा 14.8। तो यहाँ पर हम IXX निकालें 2IX1X1 183 × 10⁴ mm³ और IYY का 2IY1Y1 + 2A × 14.8। यहाँ पर हमारी गलत प्लेट नहीं है, केवल ये आपका 14.8 का स्क्वायर आया। तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है 114.587 × 10⁴ mm³। तो इसमें कम कौन सा है हमारा, IYY कम है। इस वाले केस में देखेंगे तो अब के हमने क्या किया 60 mm यहाँ कर दिया, 90 mm यहाँ पर कर दिया, तो ये दूरी कितनी है 29.6 और 14.8 हमारा ये है इस समय। तो यहाँ पर IXX निकालें तो XX हमारी कॉमन है, तो IXX बराबर 2IY1Y1 = 2 × 32.4 × 10⁴ = 64.8 × 10⁴ mm³। और जब हम IYY निकालेंगे तो 2IX1X1 + 2A × 29.6 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मान IYY का आ जाएगा 382.15 × 10⁴ mm⁴। तो इस तरह से आप देखें कि यहाँ पर IXX का मान आपका आता है 64.8 × 10⁴ और यहाँ पर आ रहा है आपका 382.15। तो इसमें कम कौन सा, IXX कम है। तो इस तरह से आप देखें कि अगर किसी भी एंगल को, डबल एंगल को हम प्रयोग करें तो उसकी लेग का कनेक्शन अगर हम चेंज कर देंगे गज प्लेट के साथ, लॉन्ग लेग का कनेक्शन कभी, शॉर्ट लेग का कनेक्शन कभी, हमारी जो गज प्लेट है बिटवीन टू एंगल्स है और कभी हमारी गज प्लेट एंगल्स के एक ही तरफ है, तो उस दौरान हम इस तरह से IXX और IYY का मान निकाल सकते हैं। और इसके माध्यम से हम फिर सिलेंडर रेशियो निकाल लेंगे, L अपॉन ये R मिनिमम का मान निकाल देंगे अंडर रूट I अपॉन A, और उसके बाद फिर L अपॉन R निकाल लेंगे, स्ट्रेस का मान आ जाएगा, वो आपको टेबल से मिल जाएगा। और इस तरह से हम किसी भी जो ट्रस का मेंबर है उसमें अगर कंप्रेसिव फोर्स निकालना है तो इस तरह से हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आ गई होंगी और इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा और ये आपके लिए बड़ा यूज़फुल है कि हाउ टू फाइंड द IXX एंड IYY फॉर द डबल एंगल विद द डिफरेंट कंडीशंस। थैंक यू।